हेलो दोस्तों, अनबॉक्स एंड रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जिनको मैंने अमेजोन से खरीदा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बॉक्स को मैं ओपन कर लेती हूँ। तो बॉक्स में से मैंने कढ़ाई को निकाला है, ये इस तरह की पैकिंग में आई है। तो अब मैं इसका पॉलीथिन वगैरह डिस्कार्ड करके आपको कढ़ाई दिखाती हूँ। तो पहले हम लिड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लिड है ये टफन ग्लास की बनी हुई है और जो इसके ग्लास की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। थोड़ा हैवी है उठाने में, कभी कभी हमसे जैसे लिड गिर जाता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये टूटता नहीं है जल्दी से। जो इसका नॉब है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड वाला प्लास्टिक नहीं है, ये है तो ये प्लास्टिक का ही। तो जो इसका नॉब है ना वो थोड़ा मोटा है तो मुझे उठाने में उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। और नॉब के ऊपर ये जो कट दिया हुआ है, यहाँ पर मेरी डॉटर ने मुझे बोला है कि मम्मी मैं स्पैचुला रखती हूँ, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी इसमें आप स्पैचुला रख सकते हैं। बाकी मुझे नहीं पता है कि ये क्यों डिज़ाइन किया गया है। अच्छा बड़े साइज़ का इसका लिड है और साइड में इसके स्टील लगा हुआ है, स्टील भी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है और स्टीम के लिए इसमें होल भी दे रखा है। इसका जो कलर है नॉब का वो रेड या मैरून आप जो भी बोल सकते हैं उस टाइप का ही है। अब मैं आपको कढ़ाई के बारे में बता देती हूँ। तो कढ़ाई में मैं पहले हैंडल के बारे में बताऊँगी। तो कढ़ाई के जो हैंडल हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, उठाने में आपको अच्छा कम्फर्ट फील होगा। बट इसमें अगर आप हाथ डालेंगे तो आपका पूरा हाथ नहीं आएगा। इसकी जो ग्रिप है वो दो उंगलियां या तीन उंगलियां आपकी इसमें आएंगी, बड़े होने चाहिए थे, इसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए थी, ये कमी इसमें है। तो कढ़ाई का जो अंदर का साइड है उसमें सिल्वर कलर दिया गया है, जैसे मैट फिनिश होता है उस टाइप का है, स्टेनलेस स्टील जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या होता है कि जब आप खाना बनाते हैं तो इसमें स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। तो इस कढ़ाई की जो डेप्थ है वो काफ़ी है, तो उससे क्या होगा आपका खाना स्पिल नहीं होगा, कढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा। कढ़ाई की जो कैपेसिटी है 2.8 लीटर है। कढ़ाई का जो ब्रांड है वो प्रेस्टीज प्लेटिना है और ये जो कढ़ाई है ये गैस इंडक्शन दोनों पे ही काम आती है। तो मैं आपको साइड से इसके हैंडल दिखा देती हूँ। इसकी शेप कुछ इस टाइप से है जिसमें थोड़ा सा स्टील का भी पार्ट लगा हुआ है और इसमें स्क्रू दिए गए हैं जिससे हैंडल को अटैच किया गया है। इसके जो हैंडल हैं वो हीट रेजिस्टेंट हैं। ये इसका बैक साइड है जिसमें पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील दिया गया है, शाइनी है एकदम से। तो ये इसका बॉटम पार्ट है जहाँ पर इसके ब्रांड नेम दिया गया है। इसका जो बॉटम पार्ट है वो एकदम फ्लैट है, इंडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैस वगैरह यूज़ करते हैं तो उस पर भी फ्लैट बॉटम यूज़ हो जाता है। इस कढ़ाई में सैंडविच बॉटम दिया गया है और ये जो कढ़ाई है ये 24 सेंटीमीटर की है। कढ़ाई का जो वेट है वो भी ठीक ठाक है, आप डेली यूज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कढ़ाई है 1260 रुपये में मुझे मिली है ऑनलाइन, बाकी आप लोकल मार्केट से भी पता कर सकते हैं, वहाँ शायद आपको सस्ती भी मिल सकती है। और ये जो कढ़ाई है ये 5 ईयर वारंटी के साथ आती है। तो यहाँ पर जो भी मुझे कढ़ाई के बारे में बताना था मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं चलती हूँ बाकी के प्रोडक्ट्स की तरफ। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो किचन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जो डेली यूज़ में आपको चाहिए ही होते हैं। तो इसमें से पहले मैं आपको सीज़र दिखाऊंगी। तो ये जो सीज़र है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि इस सीज़र को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसको दोबारा से मंगाया है। ये जो सीज़र है ना इसका जो कलर है आपको वो किसी भी कलर में भेज देते हैं, आपकी कोई चॉइस नहीं होती है। इस बार मुझे ब्लू आई है, तो देखिए कुछ इस टाइप से देखने में है और जो इसका ब्रांड नेम है ऊपर दिया गया है आप पढ़ सकते हैं। तो अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो देखिए ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से सीज़र है। तो इस सीज़र की जो ग्रिप है ना वो काफ़ी अच्छी है, आप इसको दोनों साइड से ही अच्छे से पकड़ सकते हैं। किचन में जैसे हमें मिल्क का पैकेट काटना होता है या कोई दाल का पैकेट काटना होता है, पॉलीथीन की चीजें काटने के लिए हमारी जो सीजर है वो खराब हो जाती है, बट ये सीजर इतनी शार्प है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो देखिए ये मेरी पहले वाली है जिसे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। अब ये थोड़ी गंदी सी हो गई थी, खराब तो ये बिल्कुल भी नहीं हुई है, बट ये थोड़ी गंदी हो गई थी तो मुझे लगा कि मेरे को दूसरी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सस्ती है, कोई महंगी नहीं है, 100 रुपीज में मुझे ये मिली है। तो अब मैं आपको अगला प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो आइस ट्रे है। ये आइस ट्रे भी बहुत यूजफुल है, ये भी किसी भी कलर में वो आपको भेजते हैं, आपका कोई चॉइस नहीं होता है कलर का। ये जो आइस ट्रे है ये सिलिकॉन का है, काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें सिलिकॉन लगा हुआ है, ये डिशवॉशर सेफ है, बीपीए फ्री है और काफी सॉफ्ट है। इसको आप उठा के जब फिल करेंगे ना इधर उधर इसका पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। 15 क्यूब्स की ये ट्रे है, इसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी फ्रीज कर सकते हैं, कॉफी के क्यूब्स को भी फ्रीज कर सकते हैं, जूस वगैरह चटनी वगैरह उसके क्यूब बहुत अच्छे इसमें फ्रीज हो जाते हैं और बाद में आप उसको निकाल के पैकेट्स में रख सकते हैं। मुझे ये 198 रुपीज में मिली है, हाईएस्ट क्वालिटी सिलिकॉन की बनी हुई है और काफी ये ड्यूरेबल है। ये जो ट्रे है ना ये ब्रेक होती है और ना ही ये क्रैक होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास पहले भी एक ट्रे है जिसमें मैंने आइस क्यूब जमाए हुए, मैं आपको डेमो भी साथ में ही दे रही हूँ। तो देखिए इसके जो आइस क्यूब है कितने इजीली निकल जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी मिनी चॉपर जो हर घर में आपको इस वक्त मिलेगा।
तो इस टाइप का इसका ये लिड है। तो इसके साथ हमें 3 ब्लेड मिले हैं। ये किचन में काफी यूजफुल होता है, इसलिए हर किसी को इसकी जरूरत पड़ती है। और अंदर से ये देखिए कुछ इस टाइप का है। तो इसमें ये स्ट्रिंग दिया गया है। इसका जो टब है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट इसका जो स्ट्रिंग है वो खराब हो जाता है। तो ये देखिए ब्लेड को इस तरीके से फिट कर लेते हैं इसके अंदर और ऊपर से ये लिड लग जाता है। और इसका जो प्राइस है वो 260 रुपीज का मुझे मिला है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये मिनी चॉपर बहुत अच्छा है, मैं आपको सीधा ही बताने वाली हूँ यहाँ पर कि ये हर 3 महीने में खराब हो जाता है। मेरा नहीं, हर किसी का खराब हो जाता है। तो इसकी कोई लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, बट ये मैनुअल है तो आपको इसकी कभी भी जरूरत पड़ती है तो हर किसी के घर में आपको ये मिलेगा। इसका जो ब्रांड नेम है वो पिजन है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि हम लोगों को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा। इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।